आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसी वेब 2020 एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे एनसी वेब के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कुछ कोर्स डिटेल आपको बताऊंगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी लेनी है एनसी वेब के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगा जो मैंने पिछले साल बनाई थी, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन एडमिशन का प्रोसेस क्या क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, वो आपको इस वाली वीडियो में पता लगेगा। अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को देख लें, और ज़्यादा विस्तार से जानना चाह रहे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, अब बात करते हैं एनसी वेब आखिर है क्या। जब DU से ही आपको मतलब कोर्स करना होता है तो किस प्रकार से एनसी वेब का क्या रोल है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, DU जो है वो तीन प्रकार से आपको कोर्स कराता है। एक तो DU के रेगुलर कॉलेज होते हैं जहाँ से आप रेगुलर क्लास लेके कोर्स कर सकते हो, तो रेगुलर में आपको पूरे साल जाना पड़ेगा। ठीक है, ये रेगुलर है। और एक होता है SOL। SOL जो होता है ये आपको ओपन से कोर्स करा देता है, लेकिन इसमें बॉय एंड गर्ल दोनों ही पढ़ सकते हैं, यानी लड़के और लड़कियां दोनों ही पढ़ सकते हैं SOL के अंदर, पर ये ओपन से होता है। ठीक है, और तीसरा होता है एनसी वेब। एनसी वेब जो होता है इसमें क्या अंतर है, एनसी वेब जो है ये भी आपको ओपन से ही करा रहा है, फिर SOL और इसमें क्या अंतर है। इसमें अंतर ये है कि एनसी वेब जो है ओनली फॉर गर्ल्स है, यानी कि केवल लड़कियां ही एडमिशन ले सकती हैं, जबकि SOL में लड़के और लड़कियां दोनों ही एडमिशन ले रहे थे, लेकिन एनसी वेब में केवल लड़कियां एडमिशन लेंगी। एक और दूसरी शर्त और एनसी वेब की, केवल जो दिल्ली की हैं उन्हीं के लिए एडमिशन मिलेगा, उसके अलावा कोई बाहर से आता है, कोई पंजाब का रेजिडेंस है, कोई गुजरात का है, तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, ओनली फॉर दिल्ली। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं एनसी वेब के। तो देखिए, एनसी वेब बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं कराता आपको, आपको SOL में फिर भी 5 कोर्स लगभग मिल जाएंगे, पर इसमें आपको ज़्यादा कोर्स नहीं मिलेंगे। अगर आप UG करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट के कोर्स करना चाहते हैं, तो केवल BA प्रोग्राम और केवल BCom ही आप कर पाएंगे। ठीक है, ओनली BA प्रोग्राम और ओनली BCom कॉमर्स वाले और BA आर्ट्स वाले। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आप BA प्रोग्राम करोगे, और मान लो आप चाहते हो कि मैं BA ऑनर्स करूँ, ऑनर्स तो बहुत सारे सब्जेक्ट में होते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, पॉलिटिकल में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, फिजिकल या फिर सोशोलॉजी, होम साइंस, ना जाने कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसमें आप ऑनर्स कर सकते हो, पर यहाँ पे आपको ऑनर्स नहीं कराया जाएगा। ठीक है, केवल BA प्रोग्राम। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई BA प्रोग्राम क्या होता है और BA ऑनर्स क्या होता है, और हमको BA प्रोग्राम करना चाहिए या BA ऑनर्स करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी पिछले साल या पिछले साल से पहले। ठीक है, BA प्रोग्राम और BA ऑनर्स पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके जानकारी ले लो। और एक नई वीडियो दोबारा से हम BA प्रोग्राम और ऑनर्स पे बनाने वाले हैं, तो इसमें आपको बदले हुए पैटर्न के अनुसार बता देंगे, जैसे कि सेमेस्टर वगैरह आ गया है, पहले सेमेस्टर नहीं होता था यहां पे, तो जो नई वीडियो आएगी उसमें आपको सेमेस्टर का भी थोड़ा बहुत बता देंगे। ठीक है, तो आप पुरानी वीडियो देख लें जब तक नई वीडियो नहीं आ रही है, तो आपको प्रोग्राम ऑनर्स समझ में आ जाएगा, आपको किस में एडमिशन लेना है आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, आप यहां तक समझ गए, आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए, मैंने 2019 मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और इस पूरे मतलब प्रोस्पेक्टस को पढ़ के आपके लिए वीडियो बनाई है, क्योंकि इसमें कुछ कन्फ्यूजन थी। तो पिछले साल का जो आपका 2019 में जो एनसी वेब के लिए जो प्रोस्पेक्टस अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि जो फीमेल एप्लीकेंट है हु स्टडी इन NCT दिल्ली विल बी ऑल्सो बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर एडमिशन इन एनसी वेब, यानी वो कैंडिडेट जो गर्ल्स हैं, ठीक है, और जो दिल्ली से पढ़ी हुई है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, एनसी वेब के लिए एलिजिबल हो जाती है। जो भी लड़की दिल्ली से अपनी पढ़ाई कर रही है और दिल्ली के रहने वाली, उसका रेजिडेंस जो एड्रेस है वो भी दिल्ली का है, तो वो क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगी एनसी वेब के लिए ऑटोमेटिक। ठीक है, मेरिट बेस्ड कोर्स होता है। अब ये तो आपको बेसिक बताया, लेकिन इस साल के अकॉर्डिंग भी आपको बताता हूँ, उसे थोड़ा ध्यान से समझिए। आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ना होगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा बुलेटिन का, यानी प्रोस्पेक्टस का। आप 2020 का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करें, आपको लिंक दूंगा वहां से, और पढ़ें उसको, और सारे जितने भी आपके डाउट हैं सब कुछ आपको उसमें मिल जाएंगे जवाब, पर आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं एनसी वेब के बारे में। तो देखिए, ये जो एनसी वेब है इसको नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड कहा जाता है, और ये किस लिए बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है कि जो मतलब जो ऐसी गर्ल्स हैं जो पढ़ना चाहती हैं और रेगुलर नहीं कर पाती, यानी कि हु कैन नॉट जॉइन रेगुलर कॉलेज फॉर वेरियस रीजन, मतलब कई सारे कारण हैं जिसके कारण वो नहीं रेगुलर पढ़ पाती हैं, तो वो रेगुलर कॉलेज नहीं कर पाती है, तो वो अटेंड कर सकते हैं सैटरडे या संडे वाली क्लासेज जो एनसी वेब में होता है। यानी एनसी वेब से ये फ़ायदा है कि अगर आप रेगुलर कॉलेज
नहीं जा पा रहे हो तो आप NCVAP से पढ़ाई कर सकते हो, आपकी क्लास संडे को हो जाएगी या फिर सैटरडे को हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको UG और PG दोनों तरह के कोर्स मिल जाते हैं। मैं आपको वेबसाइट पे भी ले जाऊंगा NCVAP की और वहाँ पे भी दिखाऊंगा कौन कौन से PG के कोर्स हैं। UG के केवल दो कोर्स हैं, एक BA और दूसरा BCom, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, ठीक है। इसके अलावा कोई और कोर्स नहीं है। इसके बाद NCVAP की अगर हम बात करें तो ये जो आपको फैसिलिटी देता है, ये फैसिलिटी जो आपको देगा वो फीमेल स्टूडेंट ऑफ NCT दिल्ली, यानी जो दिल्ली के बच्चे हैं जो एडमिशन चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के दिल्ली में, और उन सबको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। और इनकी क्लास जो होती है वो वीक में एक बार हो जाती हैं, ठीक है। इसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि NCVAP की जो क्लास होती है इसके ना टोटल 26 UG के सेंटर हैं, यानी टोटल कितने सेंटर हैं जहाँ पे क्लासें होती हैं, 26 दिल्ली के अंदर। आप वहाँ पे अपनी क्लासें ले सकते हो। अभी मैं आपको वो सेंटर भी दिखाऊंगा, आप बाद में देखो, पहले यहाँ पे दो चीज़ें समझ लो। एक तो आप ये समझ लो कि यहाँ पे BA और BCom होगा, क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या है कि यहाँ पे वो बच्चे आ सकते हैं, वो गर्ल्स आ सकते हैं जो दिल्ली की हैं, ठीक है, दिल्ली से बात भी कर रही हैं और दिल्ली की रहने वाली हैं। फिर एक चीज़ ये भी है कि इसमें वो एडमिशन ले सकते हैं जो रेगुलर नहीं जा सकते, कोई भी रीजन हो, रेगुलर नहीं पढ़ाई कर पा रहे तो आप यहाँ से कर सकते हो। चाहे आप जॉब करते हो, आप कोई जैसे मान लीजिए कोई अलग कोर्स कर रहे हो, कोई छोटा मोटा सर्टिफिकेट कोर्स, तो आप उसके साथ ये कर सकते हो। फिर इसके बाद एक चीज़ आपको यहाँ पे भी बताया गया है कि वुमेन एप्लीकेंट हु सेटिस्फाई द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट सेक्शन 2.4 एंड 2.7, ये 2.4 और 2.7 जो है आप प्रोस्पेक्टस में लिंक में दूंगा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके पूरा पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ पे जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हो। मैं आपको केवल मेन बातें बता देता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। UG पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो रेगुलर वाला रजिस्ट्रेशन है उसी से होगा आपका। अलग से आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराने के लिए NCVAP की वेबसाइट पे कोई लिंक नहीं मिलेगा, सीधा आपको एक ही जगह लिंक मिलेगा DU वाले पे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे BA प्रोग्राम, BCom पास, ये जो 3 साल वाला कोर्स है आपको ये कराया जाता है यहाँ पे। द एडमिशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यानी आपका एडमिशन जो होगा, दाखिला जो होगा वो मेरिट के बेस पे होगा। डिक्लेयर होगी आपकी कट ऑफ, अगर आपके कट ऑफ वाले मार्क्स होंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। और नॉन कॉलेजिएट जो आपको एक चीज़ और कहता है कि नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट आर नॉट अलाउड, आपको अलाउ नहीं करता कि आप इस NCVAP के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के बाद आप जाकर कोई इसके साथ में कोई डिग्री कोर्स कर लो, फुल टाइम कोर्स आप नहीं कर सकते। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि NCVAP से मैं ओपन से ग्रेजुएशन कर लूँ क्योंकि मेरी सैटरडे या संडे को क्लास होगी और मेरे पास वीक में पूरे 6 दिन का टाइम होगा, 5 दिन का, उन दिनों में मैं कोई ऐसा रेगुलर डिग्री कोर्स कर लूँ जिसमें मैं आराम से जा सकूँ। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप डिग्री कोर्स कोई भी इसके साथ नहीं कर सकते, फुल टाइम कोर्स कोई भी नहीं कर सकते रेगुलर, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, इंटरेस्टेड फीमेल एप्लीकेंट्स रेजिडिंग इन NCT दिल्ली ऑफ ऑटोमेटिकली एनरोल्ड फॉर NCVAP ऑन सिलेक्शन ऑफ कोर्स ऑफर इन NCVAP, यानी कि जो दिल्ली के बच्चे हैं, जो मतलब दिल्ली की गर्ल्स है जो अपना फॉर्म भर रहे हैं और उनका स्कूल भी दिल्ली का है, स्कूल दिल्ली से करी है और उनकी जो रेजिडेंस है, घर भी है, वो भी आपका दिल्ली में है, तो आप ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाते हो किसमें, NCVAP के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। आप BA प्रोग्राम, BCom कोर्स जो है, आप इन दोनों कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप कर सकते हो। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि NCVAP की जो क्लास होती है ना आपकी, देखिए आपकी टोटल 50 क्लास होंगी, एक साल के अंदर आपकी 50 क्लास होगी, तो ये आपसे कहते हैं कि स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड क्लासेस रेगुलरली एज द मिनिमम 66.67%, यानी कि ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको रेगुलर क्लास लेनी है और कम से कम आपकी 66 पॉइंट अटेंडेंस होनी चाहिए, 66%, ताकि आपको तभी आप क्या कर पाओगे, एग्जामिनेशन में बैठ पाओगे। यानी अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हो और तो आपको ये जो 50 क्लासें हैं इसमें से 66% क्लास आपको लेनी है, ठीक है। और ये होगा आपका इसके बाद देखो, और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नहीं है इतना। देखिए 50 क्लास हो रही है और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपकी क्लास जो होगी ना वो या तो शनिवार को होगी या फिर आपकी संडे को क्लास होगी, ठीक है। और ये जो आपकी क्लास की जो टाइमिंग होगी वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक आपकी क्लास की टाइमिंग होगी। आप समझ गए होंगे यहाँ पे इस तरीके से आपकी क्लासें होंगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इतना क्लियर समझ चुके हो, आगे चलते हैं।
एडमिशन प्रोसीजर टू बीए और बीए प्रोग्राम और बीकॉम, ये कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ सीट्स जो है बीए प्रोग्राम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आर फिक्स्ड, पहले से ही सीटें जो है फिक्स, रिजर्वेशन फॉर द एससी एसटी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है, ठीक है, वो उनको मिल जाएगा जो भी यूनिवर्सिटी के रूल है उसके अकॉर्डिंग। कट ऑफ जो परसेंटेज है वो डिसाइड की जाएगी बेसिस मार्क्स मार्क्स ऑब्टेंड इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बेस्ट फॉर, यानी आपने 12वीं क्लास में बेस्ट फोर सब्जेक्ट में जो मार्क्स लिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी आप मेरिट बनेगी आपकी, ठीक है, कट ऑफ आएगी, आप कट ऑफ जितनी भी आए, मान लो 70% की कट ऑफ आती है तो आपके बेस्ट फोर सब्जेक्ट में 70% मार्क्स अगर हैं तो ही एडमिशन मिलेगा, अगर आपके नहीं है तो आपको उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपको बताया हुआ है। और ये कह रहे हैं कि एनी स्टूडेंट हु टेक्स एडमिशन इन एनी वन सेंटर, आपने मान लो एन सी वेब के किसी एक सेंटर पर अपना एडमिशन ले लिया, विल नॉट बी अलाउड टू चेंज द सेंटर और एट एनी लेटर स्टेज ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। मान लीजिए आपने कोई एक सेंटर सेलेक्ट करके अपना एडमिशन करवाया है लेकिन बाद में आप चेंज कराना चाहोगे तो नहीं करा पाओगे, यानी कि देखो अभी आपको ये ऑप्शन ही नहीं मिलेंगे सेंटर वेंटर चेंज करने के कुछ भी, ये ऑप्शन आपको कब मिलेंगे, अभी तो केवल सिंपल रजिस्ट्रेशन होगा आपका, जब आपकी कट ऑफ आ जाएगी ना और आपको लगेगा कि भाई रेगुलर में मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है यार, रेगुलर में मार्क्स ज़्यादा है और मेरे कम मार्क्स हैं, चलो मैं एनसी वेब में ही एडमिशन ले लूँ, अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप एनसी वेब में एडमिशन ले सकते हो, उस समय आपको एक अपना एक सेंटर चूज करना पड़ेगा, ठीक है, आपको एक सेंटर जो भी आपके घर के नज़दीक का होगा आप उसे चूज कर सकते हो, लेकिन आप उसे बदल नहीं सकते हो, तो जो भी आप सेंटर चुनोगे उसको ना आप थोड़ा सोच समझ के करना चुनना है आपको। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये क्लासें इनकी कहाँ कहाँ पे होती है, ये सारे वही कॉलेज हैं जो रेगुलर कॉलेज होते हैं, इन्हीं में आपकी क्लास होती है, लेकिन रेगुलर कॉलेज में जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है संडे या सैटरडे वगैरह को, तो उन दिनों आपकी एन सी वेब की यहाँ पे क्लासें हो जाएंगी, या फिर ड्यूरिंग समर ब्रेक वगैरह गर्मियों की छुट्टी या फिर एग्जाम वगैरह किसी चीज़ की छुट्टी है, कॉलेज बंद है तो उस समय में आपके लिए कॉलेज में पढ़ाई कराई जाती है, तो ये वो कॉलेज है जिसमें संडे के दिन पढ़ाई होती है। अगर आप इनमें से कोई कोर्स सॉरी इनमें से कोई कॉलेज चुनोगे अपनी पढ़ाई के लिए तो आपकी क्लास संडे को होगी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो देख लो ध्यान से, अगर आप इनमें से कोई कोर्स चुनोगे अपने एडमिशन के लिए तो आपकी क्लास जो होगी वो शनिवार को होगी यानी सैटरडे को होगी। आर्यभट्ट कॉलेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी, ये कुछ कॉलेज हैं, आप इनमें से देख लो, ठीक है, ये आपके सैटरडे वाले कॉलेज हैं और ये आपके संडे वाले कॉलेज हैं, आप इनमें से कोई भी अपना सेंटर जब आप एग्जाम लोगे सॉरी एडमिशन लोगे उस टाइम पे आपको चुनना पड़ेगा, अभी आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा इस चीज़ का, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू एड मोर सेंटर फॉर एन सी वेब विदाउट एनी प्रायर नोटिस, यानी कि एन सी वेब को पूरे अधिकार हैं वो एक्स्ट्रा कुछ सेंटर और भी ऐड कर सकते हैं, मान लो अभी आपको यहाँ पे 9 सेंटर दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे 17 सेंटर दिख रहे हैं, ठीक है, एन सी वेब चाहे तो आपके सेंटर को बढ़ा भी सकती है कभी भी बिना किसी नोटिस के, हो सकता है यहाँ पे 17 की जगह 3 बढ़ा के 20 कर दे, या फिर हो सकता है यहाँ पे 9 सेंटर है 1 बढ़ा के 10 कर दे, या फिर 2-4 जो भी बढ़ाना घटाना है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखो, द एप्लीकेंट विल हैव टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आपका दाखिला होगा एडमिशन होगा उस समय में आपको अपने ओरिजिनल कागज दिखाने पड़ेंगे, ठीक है, चाहे आप 10वीं के मार्कशीट हो 12वीं की मार्कशीट हो एस सी एस टी ओबीसी जो भी आपने कैंडिडेट कैटेगरी भरा हो या फिर आपके आधार कार्ड वगैरह जो भी आपके कागज होते हैं जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको ओरिजिनल उस टाइम पे दिखाने पड़ेंगे। द एडमिशन फीस जो है वुड बी लगभग मतलब अप्रोक्स बता रखा है, देखो अप्रोक्स बता रखा है 3500 रुपये, तो इसकी जो फीस होती है जहां तक मुझे पता है 3560 रुपए के करीब होती है, ठीक है, और यहां पे आपसे कह रहे हैं कि जो 100 रुपए की फीस होगी वो PWBD कैंडिडेट के लिए होगी जो कि एनसी वेब में 100 रुपए होती है, अगर यही बच्चे एसएल में एडमिशन लेते हैं तो वहां पे उनकी फीस 65 रुपए होती है ओनली। नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट जो है आर नॉट अलाउड टू परस्यू एनी अदर फुल टाइम डिग्री कोर्स, आप अगर मान लो नॉन कॉलेज से आप एडमिशन आपने ले लिया है, आप यहाँ से बीए या बीकॉम कर रहे हो, इसके साथ में आप कोई भी फुल टाइम कोर्स नहीं कर सकते हो, डिग्री कोर्स वगैरह ये अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, और आपसे ये सजेशन आपको दिया जाता है कि जो भी स्टूडेंट अपना दाखिला ले रहा है एडमिशन करा रहा है वो सेंटर जो चुने वो नियर चुने, अपने घर के आसपास का चुने। अब मान लो आपको एडमिशन लेना है, आप अपने आसपास का कॉलेज देख लो कि कौन सा कॉलेज आपके घर के पास पड़ेगा जहाँ पे आपकी क्लासें वगैरह अगर होनी है तो होंगी, अगर आप मान लो कोई दूर का चुन लेते हो और बाद में फिर आप जाते हो नहीं मेरा सेंटर चेंज कर दो तो फिर वो चेंज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया क्लियर। और आपको रेजिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा दिल्ली का कि आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ क्या मांगेंगे आपसे, ओरिजिनल कागज आपको दिखाना है, आधार कार्ड या मान लो आपके पास पासपोर्ट है या मान लो आपके पास वोटर कार्ड है या मान लो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या आपके पास कोई राशन कार्ड है जिसमें आपका नाम दिया हुआ है, ऐसे इनमें से कोई भी एक कागज आपके पास होगा तो आपको एडमिशन के टाइम पे दिखाना पड़ेगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि आप दिल्ली के रेजिडेंस हो। हालांकि आपकी मार्कशीट वगैरह से भी पता लग जाएगा, आपके एड्रेस प्रूफ से भी पता लग जाएगा, पर आपको इनमें से भी एक प्रूफ दिखाना पड़ेगा।
और ज़्यादा डिटेल के लिए आप इनकी वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हो, यहाँ पे बताया हुआ है। और जब आपका कट ऑफ आ जाएगी, आप एडमिशन लेना चाहोगे तो आपको सिलेक्ट, जब आप अपना कोर्स सिलेक्ट करोगे वहाँ पे, तो यहाँ पे 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपनी फ़ीस जमा करनी होगी। अगर आप 24 घंटे में के अंदर ऑनलाइन फ़ीस नहीं जमा कर पाते हो तो फिर आपका एडमिशन वहाँ पे क्या होगा, नहीं हो पाएगा, आपका एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ NCWeb की वेबसाइट पर, एक बार वेबसाइट पर देख लो। देखिए ये NCWeb की वेबसाइट है, मैंने यहाँ पे खोल दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो ये यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये है helpdesk@ncweb.com। आप इस पर मेल करोगे, वो आपको रिप्लाई दे देंगे। ये इनका फ़ोन नंबर है, अगर आप इस पर फ़ोन करोगे वो आपको, अगर फ़ोन उठा लेंगे तो आपको रिप्लाई दे देंगे। हालांकि फ़ोन वगैरह उठाता नहीं है कोई भी, लेकिन आप मेल कर सकते हो, मेल पे शायद आपको रिप्लाई मिल जाए। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए, NCWeb से रिलेटेड कोई समस्या आए, तो आप यहाँ पे हेल्प डेस्क पे पता करो। इसके बाद आपके कोर्स देखो, BA कराते हैं ये, BCom कराते हैं और MA कराते हैं। ये दो UG कोर्स हैं, BA BCom और MA जो है PG कोर्स है। MA में कौन कौन से कोर्स कराते हैं एक बार देख लो। MA का मैथमेटिक्स वगैरह जो भी है, और इंग्लिश में MA हिंदी, MA हिस्ट्री, MA फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, बंगाली, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, अरेबिक, पर्सियन, ये इन सभी सब्जेक्ट में ही आपको यहाँ पे MA करा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फीस वगैरह पे और जाते हो, जैसे मान लो एग्जामिनेशन पे जाओ, तो यहाँ पे और ज़्यादा आप डिटेल यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक बार आप सिलेबस हो जाएगा। अब एक बार BA में आओगे तो यहाँ पे BA में आओगे तो आपको यहाँ पे CBCS सिस्टम जो कर दिया है उसके अकॉर्डिंग दिख जाएगा। एनुअल बेस पहले होता था, एनुअल देखोगे, एनुअल का सिलेबस दिख जाएगा। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये इनका फीस स्ट्रक्चर है, लेकिन ये पुराना है, याद रखें, ये आज का नहीं है, फिर भी एक बार समझ लो। देखो ये फीस क्या है, एनुअल फीस 300 रुपये, लाइब्रेरी फीस 10 रुपये, एनरोलमेंट फीस 200 रुपये, ऐसे कर करके कई सारे चार्ज लगा के टोटल फीस जो बनती है 3,365 रुपये बनती है, लेकिन आपकी जो फीस बनेगी वो 3,500 के करीब बनेगी, यानी 100-150 रुपये ज़्यादा बनेगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया यहाँ पे। और तो ये आप NCWeb के लिए कर सकते हो, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो मान लो। और ये सारी डिटेल आपको कहाँ पे मिलेगी, तो आपको क्या करना है, ये UG का, ये देखो ये मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है प्रोस्पेक्टस। आप इस प्रोस्पेक्टस में 7 नंबर पे जाओ, देखो पेज नंबर जो है 53 के बाद, यानी 54 पेज नंबर पे 7th पॉइंट जो है वह NCWeb के बारे में आपको जानकारी देता है। और ये सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पे विस्तार से लिखी हुई है, आप विस्तार से इसको पढ़ सकते हो, आप विस्तार से इसको समझ सकते हो, उसके बाद आप अपना जो भी डिसाइड करना है वो करा सकते हैं। जो भी लड़कियाँ, गर्ल्स ले बोल रहा हूं, जो भी गर्ल्स अपना रजिस्ट्रेशन पहले से करवा चुकी हैं DU के लिए, तो उनको कुछ करवाने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी एलिजिबल हो अगर आप दिल्ली के हो तो। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं करवाया, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया है, तो आप इस वीडियो को देख लो और समझ लो, उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। और वहां पे अगर आपको NCWeb का कोई टिक करने का ऑप्शन आता है, क्योंकि मैंने फॉर्म नहीं देखा अंदर से खोल के क्या है उसमें, अगर आपको NCWeb का कोई ऑप्शन दिखता है तो आप वहां पे टिक जरूर कर लेना। अगर आपको नहीं दिखता है मान लो NCWeb का कोई ऑप्शन, तो आप डायरेक्ट ही फॉर्म भर देना, तो भी आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस साल के प्रोस्पेक्टस में कुछ नहीं दिया हुआ। अभी मैं आपको पिछले साल का प्रोस्पेक्टस, जैसे कि मैंने दिखाया था, जैसे मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, ये 2019 का जो प्रोस्पेक्टस था, यहां पे देखो क्लियर लिखा हुआ था। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये देखिए 2019 के प्रोस्पेक्टस में ये बात क्लियर इस तरीके से लिखी हुई थी कि जो फीमेल एप्लीकेंट है वो जो दिल्ली से पढ़ी हुई हैं ऑल्सो बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर एडमिशन इन NCWeb, यानी कि वो ऑटोमेटिक हो जाती हैं। और यही बात आपको यहाँ पे भी लिखी हुई है, बट यहाँ पे थोड़ा सा दूसरी लैंग्वेज में लिखी हुई है, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो कि ऑटोमेटिक एनरोल हो जाएंगी जो दिल्ली के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना सीधा एनरोलमेंट या फिर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। कोई दिक्कत आए तो आप प्लीज़, वो जो मैंने आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर दिखाया है, हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी दिखाई है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि ऑफिशियल है, आपको वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।